वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप रेडीमेड कुर्ती को अपने नाप का कैसे बना सकते हैं। हाउ टू फिट योर एनी ओवर साइज कुर्ता टू योर साइज। यूजुअली जब भी हम मार्केट जाते हैं तो रेडीमेड कुर्ते हमेशा ही खरीद लेते हैं, बट इसको फिट कराने के लिए हमेशा हमें टेलर के पास जाना पड़ता है और वो हमें उससे भी ज्यादा रेट बता देता है केवल इसको फिट करने का। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताने वाली हूँ कि आप अपनी रेडीमेड कुर्ती को घर पर ही कैसे फिट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि आप अपनी रेडीमेड कुर्ती को कैसे ठीक कर सकते हैं। उस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम इसकी लंबाई कैसे कम करें और अगर इसके चाक बहुत ज्यादा नीचे होते हैं तो हम इसके चाक को कैसे ठीक करें और अगर कंधे गिरते हैं तो हम उसको कैसे ठीक करें। कंधे गिरते हैं अगर तो आप उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपकी जो रेडीमेड कुर्ती की जो चाक वगैरह बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, यानी कि साइड के जो भी चाक होते हैं वो आपके पेट से भी नीचे जा रहे होते हैं, हिप से भी नीचे जा रहे होते हैं, तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये भी उसी तरीके की एक कुर्ती है जो कि मैंने रेडीमेड कुर्ती ली थी जिसकी चाक वगैरह काफी ज्यादा नीचे है। ये हमारा चाक वाला पार्ट होता है और इसके चेस्ट, वेस्ट और हिप भी काफी ज्यादा लूज है मेरे, बट इसका जो कंधा है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा ठीक है। कुर्ती को हमने उल्टा कर लिया है। अब इसको बिल्कुल सेंटर से आपको देखें इस तरीके से पकड़ना है और नीचे से भी बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से पकड़ना है। ये आपकी बिल्कुल एक सीधी निशान बन जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेंटर में से। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो कपड़ा है वो आगे पीछे हो रहा है। इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिला के बिछाएंगे सारी चीजों को। तो देखिये आपके कंधे वाले पार्ट्स बिल्कुल मिला लीजिए, यहाँ से आपके शोल्डर्स बिल्कुल मिलते हुए होने चाहिए। यहाँ पर जो भी आपका आर्मोल वाला हिस्सा है, ये हमारा आर्मोल वाला हिस्सा होता है, इसको भी बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए और ये साइड्स वाले कपड़े भी आपके बिल्कुल ठीक से मिलते हुए होने चाहिए। अगर आपने ये सही से नहीं बिछाया तो हमारी कटिंग जो है वो गलत हो जाएगी और यहाँ पर हल्का फुल्का सा आपका जो कपड़ा है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कपड़े को बिल्कुल, कुर्ती को बिल्कुल अच्छे से हमने फोल्ड कर लिया है। आपको ऐसे ही फोल्ड करके अपनी कुर्ती को बिछा लेना है। अब आपको अपने बिल्कुल नाप की कोई भी कुर्ती ले लेनी है। यहाँ पे मैंने अपने साइज की एक कुर्ती ले ली है जो कि मैंने स्टिच करी थी खुद। इसको भी हम देखें इसी तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे। इसको भी हमने देखिए बिल्कुल बीचों बीच में से, सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और ये कपड़े का हमारा फोल्ड वाला साइड है, ये कपड़े का हमारा फोल्ड वाला साइड है। इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से बिछाना है बिल्कुल नेक से नेक मिलाते हुए। पहले तो आपको कंधे से कंधा मिला लेना है इस तरीके से। तो फोल्ड वाला साइड फोल्ड वाली साइड की तरफ रखते हुए हमने इसको भी इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से बिछा लिया है। अब देखिए जो आपके शोल्डर्स हैं और जो आपका ये वेस्ट वाला पार्ट है ये बिल्कुल मिलता हुआ होना चाहिए। आपका शोल्डर है और ये आर्मोल वाला हिस्सा बिल्कुल आर्मोल वाले हिस्से से मिलता हुआ होना चाहिए और बाकी के पार्ट्स हमारे एज यूजुअल बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। आपको अपनी कुर्ती को अपने कपड़े के ऊपर बिछा लेना है और देखिए ऊपर वाली साइड से यहाँ से जो हमारे शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, नहीं करनी है हमें कटिंग और सिलाई यहाँ से करनी है, यहाँ से लगानी है। इसलिए देखिए यहाँ पर हमारा आर्मोल वाला हिस्सा है, ये हमारी कुर्ती का आर्मोल वाला हिस्सा है और बाकी के जो भी आपके फिटिंग के निशान है वो आप एज इट इज यहाँ पर निशान लगा लीजिए। पहले तो पूरे में नीचे तक आपको ऐसे ही निशान बनाने हैं। हमने पूरे में फिटिंग के निशान पूरे नीचे तक लगा लिए हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड की तरफ हम बाजू अटैच रख रहे हैं, इससे बाजू वगैरह हम नहीं निकालेंगे। बाजू वाली साइड की तरफ भी हम हल्का सा फिटिंग का निशान लगाएंगे, जिससे कि क्योंकि हम अपनी बाजू को अलग नहीं कर रहे हैं इसलिए हम सिलाई लगाते हुए ही हल्का सा इसको फिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें सारे सिलाई के निशान मिल गए हैं। ये हो गया हमारा आर्महोल का निशान, यहाँ पर आएगी हमारी कमर का निशान और यहाँ पर ये हमारे चाक बने हुए हैं। यहाँ पर हमें अपनी चाक लानी है, जो हमारी पहले की चाक बनी हुई है ये हमारी रेडीमेड कुर्ते में ये काफी ज्यादा नीचे है, तो इसको हम यहाँ पर यहाँ तक रखेंगे, इसको हमें यहाँ तक खोलना है और एज इट इज हमने पूरा देखे नीचे तक निशान लगाया हुआ है। और अब आपको अपनी लंबाई के भी निशान लगा लेने हैं। तो ये जो हमारी कुर्ती है ये काफी ज्यादा छोटी है क्योंकि ये हमारी सलवार के ऊपर की कुर्ती है,
बट ये जो हमारी रेडीमेड कुर्ती है इसको मैं तो इससे थोड़ा सा लॉन्ग रखूंगी, बट अभी ये काफी ज्यादा लंबी है तो इसकी लंबाई भी हम कम करेंगे। देखिए ऊपर से आप नाप लीजिए, तो यहाँ पे मैं इंच टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऊपर से हम नापते हुए यहाँ पर 40 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो कुर्ती है वो हम 40 इंच की रख रहे हैं। बिल्कुल तैयार आएगी हमारी 40 इंच की, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक इंच का एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन लेना होगा, क्योंकि जिससे कि हम इसे ऊपर की साइड की तरफ फोल्ड करके मोड़ सके। और अब आपको अपने ऊपर वाले कुर्ती को हटा लेना है, इसका काम यहीं तक था। तो इससे आपको आपके जो सारे निशान है ये अच्छे से मिल गए हैं। ऊपर वाली साइड पर आपको कोई कटिंग नहीं करनी है, कटिंग हम करेंगे नीचे वाली साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी चाक मोड़नी है। ये जो हमारी साइड की स्लिट्स होती हैं इसको हमें फोल्ड करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपको चाक कहाँ से ओपन करनी है, खोलनी कहाँ से है। यहाँ से हमें अपनी चाक को खोलना है। तो यहाँ पर आप पहले तो एक निशान बना लीजिए, और उसके बाद में ये देखिए ये जो हमारे पूरे चाक वाले हिस्से हैं, ये जो हमारा मुड़ा हुआ हिस्सा है इसको हम ऊपर तक मिला देंगे, बिल्कुल इस तरीके से सीधा करते हुए इस तरीके से मिला देंगे। और यहां से हमें बिल्कुल कटिंग करनी है, हमें इस वाले निशान पे कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारा सिलाई का निशान था। ये देखिए ये हमारा सिलाई का निशान था, तो कटिंग हमें बाहर बाहर वाली साइड पर करनी है। पूरी जो हमने फोल्डिंग किया हुआ है यहाँ पर, पहले से जो फोल्ड होकर आया हुआ है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, और बाद में हम अपनी दोबारा से यहाँ पर चाक मोड़ेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पर पतला पतला चाक मोड़ा हुआ है वैसे ही हमें यहाँ पर चाक को मोड़ना है। तो अब यहाँ पर हम पूरे की कटिंग कर लेंगे। साइड्स की हमने कटिंग कर दी है, अब लंबाई वाले पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग देखिए यहाँ पर हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इन निशानों को हम जरा गहरा करेंगे एक बार, और कुर्ती को आपको खोल लेना है। अब इन निशानों को आपको इस वाली साइड की तरफ लाना है, तो इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोबारा से। और देखिए यहाँ पर जो आपका आर्म होल वाला हिस्सा है वो आप बिल्कुल मिला लीजिए, इन पार्ट्स को बिल्कुल आपस में मिला लीजिए। और यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा टैप करना है, जिससे कि जो हमारे निशान है वो दूसरी वाली साइड की तरफ भी आ जाएंगे। ये देखिए जो हमारे निशान है वो बिल्कुल अच्छे से आ गए हैं, तो इनको हम लगा लेंगे इस तरीके से। तो निशान आपके बिल्कुल अच्छे से देखें आ गए हैं। यहाँ पर हमारी चाक खुलेगी, पहले जो चाक थी वो काफी ज्यादा नीचे थी, तो इस तरीके से आप अपनी चाक को भी ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दोनों पार्ट्स पर सिलाई लगानी है, जिससे कि ये जो हमारी कुर्ती है वो फिटिंग हो जाएगी। सिलाई देखिए हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, और इसको सिलाई को आपको इस तरीके से, ये देखिए यहाँ तक जो अभी आपका चेस्ट वाला निशान है यहाँ से मिलाना है, और नीचे तो हमने ऑलरेडी निशान लगाए हुए हैं उन्हीं निशानों पर हमें सिलाई चला देनी है। तो यहाँ पर देखिए बाजू से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहां तक सिलाई लगाने के बाद अब देखिए सुई को हमने अंदर की तरफ रख दिया है, और बूट को हम उठा लेंगे। अब आपको कुर्ती को इस तरीके से घुमा लेना है, और यहां पर हम अब एक पैर का मार्जिन लेते हुए, जो हमने सिलाई लगाई है उससे एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसके साइड साइड में सिलाई लगाएंगे, जिससे कि अगर ये कुर्ती आपकी कभी टाइट हो जाती है तो आप एक सिलाई खोलकर इसको आसानी से पहन सकते हैं। अब बूट को हम नीचे कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस साइड पर देखिए हमने दोनों सिलाइयों को लगा लिया है, अब ऐसे ही हम अपने इस साइड की तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए निशान हमारे लगे हुए हैं, अगर आपके निशान हल्के हो जाएं तो आप इसको एक बार डार्क कर लीजिए, और उसके बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से देखिए हमने फिटिंग की सिलाई को बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है, और साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया है।
अब हमें इसके ये साइड्स यानी कि चाक मोड़ने हैं और दामन हमें इसका फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम इसका दामन मोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें इस तरीके से इसको एक बार और ये दो बार फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। साइड्स के देखिए हमने दामन को फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसके साइड वाले चाक फोल्ड करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी साइड की चाक है, इस तरीके से जैसे हमने नीचे फोल्ड किया था कपड़े को वैसे ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई वाला इसका चाक बना रहे हैं तो पतला ही फोल्ड करेंगे। एक बार हमने फोल्ड कर लिया और एक ये दूसरी बार, अब यहाँ पर सीधी सिलाई लगाकर पूरा ऊपर तक ले जाएंगे इसको हम। ऊपर तक देखिए हमने चाक की सिलाई लगा ली है। अब सुई अगेन हमने नीचे की साइड पर ही रखना है और बूट को ऊपर कर दिया है। अब कपड़े को हम इस तरीके से घुमाएंगे क्योंकि हम एक साथ ही अपने दोनों साइड्स के चाक मोड़ रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी सारे चाकों को मोड़ सकते हैं, बट इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये एक बार और दो बार, आपको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद में बूट को नीचे किया और इस साइड की तरफ बिल्कुल सीधी सिलाई आनी चाहिए। एक बार सिलाई को पक्का कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सिलाई पक्की कर ली है। अब नीचे की तरफ इस तरीके से कपड़े को घुमा लेंगे। यहाँ भी कपड़े को बिल्कुल सीधा करते जाइए और आपको ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए दोनों साइड्स की तरफ हमने इस चाक को फोल्ड कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट साइड है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पर आप हमारा सीधी साइड की तरफ से भी कोई भी कपड़ा दबा नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी दोनों साइड्स की सिलाई लगा लेनी है। अभी हमारी ये एक साइड की चाक कंप्लीट हुई है। अब ऐसे ही हम अपनी दूसरी वाली साइड की चाक को भी फोल्ड कर लेंगे। चाक को हमने देखिए बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ हमारी जो कुर्ती की फिटिंग है और कटिंग वगैरह है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप घर बैठे ही अपनी कुर्ती को फिट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से गाइज। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। एंड बहुत बहुत जल्द हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन गाइज। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।